मशहूर होने का शौक नहीं है, लेकिन क्या करें, लोग नाम से ही पहचान लेते हैं। प्लेट में समोसा, समोसे में आलू, तेरी जैसी शक्ल के मैं कुत्ते भी ना पालूं। तू किधर जा रहा है? खून देने। खून देने? ये कोक के ना दारू वाला खून देगा तू? जिंदगी में आगे जाने के लिए स्कूल में पीछे बैठना बहुत जरूरी होता है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जिनकी जलती है उनकी और जलानी है। तो कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी। खामोश रहता हूं क्योंकि जानता हूं अगर बोलूंगा तो धज्जियां उड़ा दूंगा। I like the view. You do? Yes. You're my best view. Me. I like the view. I like the view. I like the view. I like the view. Me. अब तुम जिसे दादागिरी कहते हो, हमारी जबान में बताओ उसे क्या कहते हैं? बेटा इधर आओ, दो चाय लेकर आओ। जलने वालों, बेटा तुम जलो, और अगर नहीं भी जलोगे ना तो मैं जला दूंगा। गलत है जो किया तू, गलत है। लिबास काला आवाज काली, लिबास काला आवाज काली, मैं अंधेरे का प्रतीक हूँ। लिबास काला आवाज काली, मैं अंधेरे का प्रतीक हूँ। तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूँ। तुम जवाब बहुत टेढ़े देने लगे हो, मैं अगली बार तुम्हें जवाब नहीं दूंगा। भौंकते तो तुम पहले से हो, जिस दिन मिलूंगा तुम्हें कुत्ता ही बना दूंगा। वक्त का इंतजार करो, तुम्हारी मुलाकात हमसे ही होगी। बोलना है तो सामने बोलो, पीछे से तो कुत्ते भी भौंकते हैं। अपन दोस्ती के नाम पर धब्बा निकला। ए, अरे छोड़ना, रात गई बात गई, एक ही बात को बर्तन की तरह मांझ रेला है। अरे रो भाई, गुरा है तेरे पे सेट नहीं होता है, भाभी क्या सोचेगी। लाडले, लाख कमी हो चाहे मेरे में, पर कदे छोरी का गया इमेज बनाने के चक्कर में यारा की बुराई ना करया करता। भोड़ा रखे जाओ मेरे गला यार सारे। कुछ लोग मेरी बुराई करते रहते हैं, उन्हें लगता है मैं उन्हें छोड़ दूंगा। माना शरीफ हूं लेकिन सनकी भी हूं, जिस दिन पकड़ूंगा घमंड और मुंह दोनों तोड़ दूंगा। भाई भाई लड़ाई हो गई, रुक रुक लौंडे इकट्ठे करने दे। प्यार चल नी मैं काला वहन पुणा छड्या बच्चा बच्चा बदमा। हमारी गेम बचाएगा, हमारी एरिया में बॉलर से हाथ हटा, नहीं हटाएगा। क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? तो इस बोल बच्चन अमिताभ बच्चन की फिक्र मत कर, सिर्फ हाँ बोल। वो कौन है हाँ बोलने वाला? हाँ बोलेगा तो क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? मैंने फैसला कर लिया। तू कौन होता फैसला करने वाला? बच्चा तू अभी 20 साल से उस धंधे में 50 से ऊपर मर्डर किया। ये जो हमारे पास रहकर हमें ही ठग रहे हैं ना भाइयों, ये मत सोचना कि पागल बन रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि हमारा बच्चा कितना शाना बन रहा है। ऐसी वैसी बातों पे हम ध्यान नहीं देते, कि ऐसी वैसी बातों पे हम ध्यान नहीं देते,
बाप है तुम्हारे, छोटी छोटी बातों पे ज्ञान नहीं देते। तेरा बाप आया। कुछ कान के पीछे कुछ ज्यादा ही चीख रहे हैं। बाप से कैसे बात करते हैं बेटा सिखा दूंगा। और मुंह बहुत ज्यादा चल रहा है तुम्हारा, मैं सिर्फ दो शब्द कहूंगा और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। मारे बात यहीं खत्म नहीं होगी। ये ले अब खत्म हो गई। क्या बे? क्या? चल जा, पिक्चर खत्म हो गई, चल निकल निकल। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही किया करते हैं। जरूरत नहीं है। याद रखना, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा ना, लोग तुम्हारा फोन नहीं सिर्फ फायदा उठाएंगे। मोस्ट वेलकम, अगर आ रहे हो और भाड़ में जाओ अगर जा रहे हो। मैं हर जगह अकेला जाता हूँ, कुत्तों को लेके घूमना मेरा स्टाइल नहीं है। मैं सराफत में भी आफत था और बुरा बनने के बाद तो कयामत हूँ। तुम अस्थीन की बात करते हो, हमने दिल में नागिन पाली थी। यकीन मानिए बहुत ज्यादा शरीफ हूं मैं, पर सिर्फ शक्ल से। दो चार फोटो क्लिक करवा के तो खुद को मॉडल समझ रहा है। अरे तेरी डीपी से अच्छी मेरी पीपीटी है। भेजा जेल भगत सिंह को उल्टी गोरों की चाल हुई और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा के जिसने सपने इंकलाब के देखे थे, वो अड़ा रहा के जिसने सपने इंकलाब के देखे थे, उस मूछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। आशिकी में बेबी दुनियादारी सब भूल गया, से नोवा बॉय तेरे लगते इशारे ते डुल गया। यार मित्र कहने लग पे ने आजकल राजा, मैनू राजा बनाना चाहुंदा है बेबी। ये गक्की लेके आया राजा तेरे बुरे घर दे, तेरे बुरे घर। तुम अच्छे लगते थे इसीलिए तो भाव दिया ना, वरना इग्नोर करने में हमने पीएचडी कर रखी है। इतने बड़े बनो कि जब आप खड़े हो तब कोई बैठा ना रहे। नाम और पहचान भले ही छोटी है मेरी, पर जितनी भी है ना, है खुद के दम पर।
अगर मोबाइल कंपनी वाले सच बोलने लग गए ना तो तुम लोग रोने लग जाओगे। आप जिस बंदे को कॉल कर रहे हैं वो जानबूझ के आपकी कॉल नहीं उठा रहा। एटीट्यूड उतना ही दिखाओ जितना तुम्हारी शक्ल पर सूट करे। अगर कोई पीठ के पीछे भौंके तुम्हारे तो पीछे से नहीं सामने से उसका मुंह तोड़ दो, और अगर शेर की तरह दहाड़ना है तो बेटा कुत्तों की तरह ना भौंकना छोड़ दो। इतने बड़े बनो कि जब आप खड़े हो तब कोई बैठा ना रहे।